हौसले जिनके बुलंद होते हैं, उड़ान उनकी आसमान से भी ऊंची होती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फ्यूचर रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण देश की प्राथमिकता रहा है। पिछले 7 सालों में देश की विकास यात्रा के रूप में सिविल एविएशन सेक्टर ने अभूतपूर्व प्रगति की है। ये संकल्पबद्ध नेतृत्व का ही परिणाम है कि आजादी से लेकर वर्ष 2014 तक जहां देश में केवल 74 एयरपोर्ट थे, वहीं पिछले 7 सालों में 84% की वृद्धि हुई और आज 62 नए एयरपोर्ट के साथ कुल 136 एयरपोर्ट संचालित हैं। सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 17,600 करोड़ रुपए से नए एयरपोर्ट, टर्मिनल भवन और वाटर एरोड्रोम का निर्माण कराया गया, जिससे देश के सुदूर क्षेत्र और नए राज्य भी भारत के एविएशन मैप पर आ गए हैं। नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का निर्माण होने से भारत विदेशी निवेशकों के लिए पसंदीदा देश बन गया। आवागमन सुगम होने से पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। उड़ान योजना के अंतर्गत आज देश के Tier 3 शहरों में रहने वाले सामान्य जन भी हवाई यात्रा द्वारा देश विदेश से जुड़ गए हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश में भी कनेक्टिविटी लगातार बढ़ रही है। यूपी के अलग अलग अंचलों में हवाई मार्ग से कनेक्टिविटी बहुत जल्द बहुत मजबूत हो जाएगी। पलायन और भ्रष्टाचार वाली पहचान का दंश झेल रहे प्रदेश की कमान माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने संभाली। वह निवेश और ईज ऑफ लिविंग के लिए जरूरी कनेक्टिविटी को प्राथमिकता देते हुए सड़क, मेट्रो, एयर जैसे क्षेत्रों में रिकॉर्ड विकास कार्यों की शुरुआत की। वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में मात्र 6 एयरपोर्ट क्रियाशील थे। आज उत्तर प्रदेश में 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट सहित कुल 9 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं और चौथा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर नोएडा व 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या में बनने जा रहा है। इसके अलावा 10 एयरपोर्ट का निर्माण मिशन मोड में चल रहा है, जिनमें से 5 एयरपोर्ट मार्च 2022 तक तैयार हो जाएंगे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जेवर का शिलान्यास किया जा रहा है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप देश की कनेक्टिविटी के विकास में नया अध्याय जोड़ेगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य बन जाएगा। कुल 30,000 करोड़ की लागत से बनने वाले इस एयरपोर्ट के पहले चरण में 4,600 करोड़ रुपए की लागत से 3,300 एकड़ भूमि पर 2 रनवे का निर्माण किया जाएगा। दूसरे चरण में 5,800 हेक्टेयर में 5 रनवे और एक मेंटेनेंस भवन विकसित किया जाएगा। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट देश की राजधानी दिल्ली के परिक्षेत्र में दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। उत्तर प्रदेश और देश की प्रगति को नई गति देने वाले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण मात्र 34 माह में पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। वर्ल्ड क्लास सुविधाओं और क्षमता वाला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा, फरीदाबाद जैसे कई महत्वपूर्ण शहरों और आसपास के क्षेत्रों की करोड़ों की आबादी को लाभान्वित करेगा। नोएडा एयरपोर्ट बनने से हर साल 1.25 करोड़ से अधिक यात्रियों का आवागमन होगा। भारत में पहली बार इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल कार्गो हब की अवधारणा के साथ एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है, जिससे लॉजिस्टिक लागत में कमी और समय की बचत होगी और लोकल उत्पाद व फसलों की पहुंच अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बढ़ेगी। अब न सिर्फ उत्तर प्रदेश और देश को दुनिया के साथ एक नई कनेक्टिविटी मिलेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश के साथ पूरा उत्तर भारत ग्लोबल लॉजिस्टिक मैप पर उभरेगा। जेवर एयरपोर्ट के आसपास एयरो सिटी, 10,000 करोड़ रुपए की लागत से फिल्म सिटी, मेडिकल डिवाइस पार्क, 3,000 करोड़ के निवेश से एपरल पार्क, मल्टीप्लेक्स मॉल, कन्वेंशन सेंटर, नई औद्योगिक इकाइयां, फसल मंडी एवं उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अलीगढ़ नोड के निर्माण से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल जाएगी। स्थानीय हुनर को भी नई पहचान मिलेगी, पर्यटन विकास एवं सर्विस सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे, 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर के मजबूत होने से उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। आज उत्तर प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प और मेक इन इंडिया अभियान में योगदान दे रहा है और निवेश की ऊंची उड़ान भर रहा है। सोच ईमानदार, काम दमदार।